चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मोदक। ये मोदक महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है और ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। ये मोदक में घी और तेल नहीं रहता। जिन लोगों को घी और तेल खाने की परहेज है वो इस मोदक को जी भर के खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये मैं बताती हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ हरा नारियल 1 कप, 1/2 कप गुड़, 2 कप चावल का आटा, स्पिंच नमक, 1 टीस्पून घी, काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े और इलायची का पाउडर। सबसे पहले हम मोदक बनाने के लिए एक चावल का आटा लगाएंगे। जितना चावल का आटा है उतना पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। तो 2 कप पानी को हम एक पैन में गर्म करने के लिए रख देते हैं। इसी में ही हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। इसे हम ढक्कन ढक के उबालने के लिए छोड़ देंगे। इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें हम 2 कप चावल का आटा मिला लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये आटा हमारा भाप में ही पक कर तैयार हो जाता है। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून घी डालिए और देसी गुड़। यदि आपको ये गुड़ पसंद ना हो तो आप पीला गुड़ भी यूज कर सकते हो। अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें नारियल डाल देंगे। इसे हम धीमी आंच पर पकाने देंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आंच हमें धीमी ही रखनी है और धीमी आंच पे हम 5 से 6 मिनट पकने देंगे। और अब हम इसमें इलायची का पाउडर, काजू के टुकड़े और बादाम के टुकड़े डाल देंगे। हमारा ये स्टफिंग भी तैयार है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए गैस की फ्लेम से नीचे उतार देंगे। जब तक ठंडा हो तब तक हम आटे को मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हम इसे थाली में निकाल लेंगे। अभी ये चम्मच की मदद से थोड़ा गर्म है तो आप मसल सकते हो। तो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद आप हाथों से चिकना हो जाए तब तक हमें इसे मसलना है। यदि हाथों पर चिपके तो थोड़ा सा लगाकर आप मसल सकते हो। इसी तरह अच्छी तरह से मसल कर हमारा ये आटा तैयार है। अब हम एक नींबू चिकना लुवा लेंगे और थोड़ा सा हाथ पर पानी लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं।
मसल कर एक कटोरी जैसा बना लेंगे। उंगलियों की मदद से ही हमें सेक लेना है। हमारी कटोरी तैयार है। अब हम इसमें कलिया बनाएंगे। इसी तरह से हम 5 से 6 कलिया बनाएंगे। ऊपर से ही हम अच्छी तरह से जोड़ कर मोदक तैयार कर देंगे। कलिया हमारी अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, जिससे मोदक का सेक बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमने सारे मोदक तैयार कर दिए। अब हम इस स्टीमर में 1.5 कप जितना पानी डाल के इसे उबाल देंगे। उबालने के बाद हम जिस प्लेट में मोदक रखेंगे उसमें घी से ग्रीस कर देंगे और ग्रीस की हुई प्लेट हम स्टीमर में रख देंगे। स्टीमर हमारा गर्म होना चाहिए और अब हम इसमें मोदक रख के इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे। अच्छे मोदक पकने रेडी है। जब मोदक पक कर रेडी हो गए तब मोदक में थोड़ी साइन आ जाएगी। ये हमारा मोदक रेडी है, इसे अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। मोदक के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये आपको डालना है तो ही डालें, देसी घी से मोदक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से सारे मोदक पर हमने घी डाल दिया है। तो हमारे गणपति जी के भोग के लिए मोदक रेडी है। गणेश चतुर्थी के त्योहार पे इसे जरूर से बनाइए अपने घर पे। और दोस्तों, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी